हेलो माय डियर स्कॉलर्स, टुडे वी टॉक अबाउट द मेन टॉपिक, दैट इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डीपली और जल्दी जल्दी। नाउ कम टू द पॉइंट कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट इंडिविजुअल एंड कंपनीज हैव अ ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट एंड सोसाइटी एज अ होल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज इट अप्लाइज टू बिजनेस इट इज ऑल्सो नोन एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम इसको CSR भी बोल सकते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनी कंपनीज सच एज दोस विच ग्रीन पॉलिसीज हैव मेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दियर बिजनेस मॉडल। तो इस तरीके से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क करती है अपने इंडिविजुअल्स में भी और अपने कंपनीज में भी, और हम उसको किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में फॉलो करते हैं एज अ सोसाइटी, एज अ होल सोसाइटी इस तरीके से वर्क करती है। नाउ इसके कुछ टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स, उसको बात कर लेते हैं कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन सेकेंड है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन है डिस्क्रिमिनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सोशल की बात आएगी तो हमारे पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, इथिकल मीन्स हमारे पास जो नॉर्म्स, बिहेवियर, पॉलिसीज, कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं वो क्या होंगी, डिस्क्रिमिनेटरी यानी ऑन द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग द प्रोसीजर वाट एवर दे गॉन, उन चीज़ों को कैसे फॉलो करेंगे। इकोनॉमिक मीन्स हमारी जो एज अ डेली बेसिस में घटित हो रही ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उस तरीके से हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला ऐसा देश है जिसने कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हुए मैंडेटरी किया, क्या कि एन अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट 2013 इन आर्टिकल 2014 में इन्होंने मेंशन किया कि बिजनेस कैन इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट इन एरियाज सच एज, कौन कौन से हैं, एजुकेशन, पॉवर्टी, जेंडर इक्वलिटी एंड हंगर एज अ पार्ट ऑफ CSR कंप्लायंस। CSR मींस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से इस प्रोसीजर को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉलो किया, इन्होंने अमेंडमेंट में भी दिया कि द अमेंडमेंट नोटिफाइड इन द कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायर्स कंपनीज विद अ नेट वर्थ ऑफ INR 500 करोड़, इस तरीके से इन्होंने $70 मिलियन और मोर एन एनुअल टर्नओवर इनका INR में 1000 करोड़ दिखाया और मोर नेट प्रॉफिट INR 5 करोड़, इस तरीके से इन्होंने स्पेंड करते हुए अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज को फॉलो किया। नाउ बात करेंगे कि बिजनेस मस्ट नोट दैट एक्सपेंसेस टूवर्ड CSR नॉट एलिजिबल फॉर एजुकेशन इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो द गवर्नमेंट However, is considering a re-evaluation of this provision as well as other CSR provision recently introduced under the Companies Amendment Act 2019. तो इस तरीके से इन्होंने CSR को वर्क किया। CSR amendment बात करेंगे अगर हम CSR किस तरीके से फॉलो हुआ, तो नाउ अंटिल नाउ इफ अ कंपनी वॉज अनेबल टू फुली स्पेंड इट CSR फंड इन अ गिवन ईयर तो इट कुड बी कैरी द अमाउंट फॉरवर्ड एंड स्पेस्ट इन द नेक्स्ट फिजिकल, उस तरीके से उसको नेक्स्ट फिजिकल में भी फॉलो कर सकती है, नेक्स्ट टर्म में भी फॉलो करती है। नाउ जो CSR है, द CSR अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस अंडर द एक्ट नाउ रिक्वायर कंपनीज टू डिपॉजिट द अनस्पेंट CSR funds into a fund prescribed under Schedule 7 of the Act within the end of the fiscal years. इस तरीके से इसको rules को follow करना होता है हम लोगों को। ये amount जो होता है must be utilized within the 3 years होना चाहिए from the date of transfer. Failing which the fund must be deposited on one of the specific fund. इस तरीके से हमारा ये CSR वर्क करता है। बात करते हैं कि इसकी मेथडोलॉजी क्या क्या होंगी। तो CSR is a procedure for assessing an organization impact on society and evaluating their responsibility. It begins with an assessment of the following aspect of each of business. कौन कौन से हो सकते हैं, customers हैं, suppliers हैं, environment है, communities हैं, employees हैं, ये सभी चीज़ें हमारी corporate social responsibilities में आती हैं। इस तरीके से हम इनको फॉलो करते हैं। यहाँ पर जैसे डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए कि ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैव बीन क्वाइट सेंसिबल इन टेकिंग अप CSR इनिशिएटिव एंड इंटीग्रेटिंग देम इनटू देयर बिजनेस प्रोसेस, इस तरीके से वर्क करता है। बात कर लेते हैं, हमारे पास और भी कुछ पॉइंट्स दिए, इनको आप डीपली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, एज अ वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमें अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम आपको एज अ ईजिली नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। बात कर लेते हैं कि CSR ट्रेंड क्या है इंडिया में।
तो CSR जो ट्रेंड है, सिंस द अप्लीबिलिटी ऑफ मैंडेटरी CSR प्रोविजन इन 2014 CSR स्पेंडिंग बाय कॉरपोरेट इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। इन अगर बात करें 2018 की, जो कंपनी स्पेंड किया इन्होंने 47% हायर एज कम्पेयर टू अमाउंट इन 2014-15 की कंपेरिजन में, इन्होंने काफ़ी रुपए खर्च किए इसमें। नाउ इस तरीके से इन्होंने काफ़ी चीज़ों को फॉलो करते हुए, जैसे द एजुकेशन सेक्टर रिसीव द मैक्सिमम फंड दिया इन्होंने 38% टोटल का, इस तरीके से हंगर पॉवर्टी हेल्थ केयर में 25%, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में 12%, रूरल डेवलपमेंट 11%, इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ CSR को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया और उसको हेल्पफुल बनाया अपने इंडिया में। इस तरीके से इन्होंने आज हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और किस किस तरीके से वर्क करता है। नाउ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।